अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली कोर्ट ने अपना फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया केजरीवाल ने कथित शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ के अरविंद केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए तो ईडी का पक्ष ए एस जी एस वी राजू रख रहे हैं सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को निर्दोष बताते हुए उनकी गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि चुनाव में हिस्सा लेने से रोकने के लिए ऐसा किया गया वहीं ईडी कहा की सिंघवी की सारी दलीलें बेमानी हैं उन्होंने मुकदमे को निरस्त करने के हिसाब से दलीलें रखी थीं ये शुरुआती स्टेज है हमें आम आदमी पार्टी संपत्ति की जब्ती करनी है लेकिन समस्या यह है कि इस पर यह कहेंगे कि चुनाव के समय पार्टी को परेशान किया जा रहा है हम जब्ती नहीं कर रहे तो कहेंगे कि हमारे से कोई जब्ती ही नहीं हुई हम तो निर्दोष हैं ट्रायल कोर्ट में केजरीवाल ने खुद रिमांड का विरोध नहीं किया कहा कि रिमांड पर भेज दिया जाए लेकिन यहाँ रिमांड को गलत बताकर चुनौती दे रहे हैं क्या इसकी इजाजत दी जा सकती है ये तो दो तरफा खेल खेल रहे हैं इसमें एस वी राजू ने कहा कि कोई शक नहीं कि घोटाला हुआ है एएसजी ने कहा कि ये तथ्य धन शोधन का अपराध हुआ है इसमें कोई संदेह नहीं है अदालत इस अपराध पर संज्ञान ले चुकी है संज्ञान अपराध पर होता है अपराधी पर नहीं अपराध पर संज्ञान के बाद आरोपियों को लेकर जांच होती है जो कि इस मामले में भी हो रही है आरोपियों की जांच को लेकर बाधा उत्पन्न नहीं की जा सकती ए एस जी ने कहा की आज केजरीवाल का रवैया ये है की एक संत है लेकिन वास्तव में केजरीवाल ने जो किया वो बहुत ही चतुराई ऐसी किया ईडी ने कड़ी मेहनत ऐसी सबूत ढूंढे हैं राजू ने चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर भी जवाब दिया उन्होंने कहा कि सोचिए कि कोई चुनाव से दो दिन पहले हत्या कर देता है इसका मतलब कि उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता इसमें बेसिक स्ट्रक्चर यानी संविधान आ जाता है अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल में डालना होता है ए राजू ने कहा की आम आदमी जेल जाते हैं लेकिन मैं सीएम हूँ तो क्या देश को लूट सकता हूँ पैसे बना सकता हूँ और रिश्वत ले सकता हूँ बार एंड बेंच के मुताबिक बहस के बीच ए राजू ने कहा की हम आम आदमी पार्टी की कुछ प्रॉपर्टी भी जब्त करना चाहते हैं यदि हम ऐसा करेंगे तो कहा जाएगा कि चुनाव के टाइम पर यह सब किया यदि हम नहीं करते हैं तो कहा जाता है सबूत कहां है इसलिए मैं कुछ दुविधा में हूं। ने कहा कि 5 घोटाला हुआ है इंडो स्प्रिट को शिकायत के बावजूद लाइसेंस दिया गया उन्होंने रिश्वत नहीं दी उन्हें लाइसेंस वापस करने को कहा गया गिरफ्तारी की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता की तरफ से ऐसी कई दी गयी जैसे ये जमानत याचिका गिरफ्तारी को चुनौती देने की नहीं इस मामले में जहाँ तक केजरीवाल की बात है जाँच अभी शुरुआती दौर में है जाँच अभी पूरी नहीं हुई है ईडी के वकील ने कहा की एक करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की जा चुकी है आम आदमी पार्टी की संपत्ति की भी जांच करना है सिंघवी ने गवाहों और ईडी के बीच मैच फिक्स होने का आरोप लगाते हुए एक बार फिर कोर्ट को बताया कि कैसे इन गवाहों के शुरुआती बयानों में केजरीवाल का नाम नहीं लिया गया था सिंघवी ने आरोप लगाया कि ईडी ने दबाव डालकर बयान बदलवाए उन्होंने गवाहों और आरोपियों के बयान बदलने के और केजरीवाल का नाम लिए जाने के बाद राहत मिलने का जिक्र किया ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया